आगे बढ़े। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को NRO नहीं मिल रहा। अभी तो मजीद सच सामने आएंगे। मौजूदा लॉन्ग मार्च के पीछे इदारा नहीं एक दो अफराद हो सकते हैं। इमरान खान का वक्त ख़त्म हो गया है, मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है, सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आज नवाज शरीफ के बयानियों को कामयाबी मिली है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने मजीद कहा कि 4 साल में मुल्क के कर्जे कहाँ चले गए जो इसने हालात पैदा किए थे। इस शख्स को तो सड़क पर ही नहीं निकलना चाहिए था। 4 साल में मईशत को तबाह कर दिया गया। लॉन्ग मार्च के दौरान निजी टीवी की सहाफ़ी सदफ नईम की शहादत पर अफसोस है। इसके लॉन्ग मार्च से अवाम ला तल्लुक है। इसकी वजह यही है, अवाम को इसका असली चेहरा पता चल गया है। उसने सोचा था कि झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर लूँगा। लॉन्ग मार्च उनका आखिरी प्लान था, पहले साजिश का झूठा बयानिया घड़ा गया था।